तो कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहाँ पर हम नकली फ्रोजन रीस को देखते हैं। यहाँ पर वो अपना रेज्यूमे लेकर के जॉब के लिए आई थी, पर मैनेजर ने उससे बोला 150 रुपया देगा। और अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इतने पैसे में भी मान जाती है। कि तभी हम ऑफिस के बाहर एक नशेड़ी गंजेड़ी वी को देखते हैं, जो वहाँ पर एक सीनियर सिटीजन से झगड़ रही होती है। कि तभी वहाँ पर पीपीई किट पहन करके 3 लोग एंटर होते हैं और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं, और वी भी इनका साथ देती है। ये नशेड़ी गंजेड़ी होने के साथ चोर भी है क्या? और यहाँ रीस को भी अपने 150 रुपये पसंद नहीं आते हैं, तो वो मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लेती है। Getting darker. और अब रॉबरी के सारे प्रोसीजर खत्म होने के बाद सबको पता चल जाता है कि एक रॉबरी है। इसके बाद चोर यहाँ पर कैमरास के ऊपर ग्रफिटी करते हैं, और इसके बाद वो एक सीनियर सिटीजन और एक सूजन नाम की लेडी को लॉकर के पास लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वो उसे डरा धमका के लॉकर को ओपन करते हैं, पर ओपन करते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी किस्मत के ऊपर शनि बैठा हुआ है और उन्हें सिर्फ 70,000 मिलते हैं। रीस इन सब में सबसे ज़्यादा दिमाग वाली होती है, तो वो कहते हैं कि उन्हें कट लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर वी को अपनी ड्रग के लिए इतने पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसे तो और पैसे चाहिए। यहाँ पर एक मोटा भी उसका सपोर्ट करता है, दोनों साथ में नशा करते होंगे। कि तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड हैरी, ये वाला नहीं पुराना वाला, उन्हें बोलता है कि वो वहाँ का असिस्टेंट मैनेजर है और 520 से पहले उन्हें सारे कैश को वेरीफाई करना पड़ेगा और उसे कंप्यूटर में फीड करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया Pennywise in the house. अरे नहीं, बस अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी पेनीवाइज से मिलना नहीं चाहता है, तो वो लोग इसे नोट को फीड करने देते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड हैरी उन्हें बताता है कि इस बैंक के नीचे एक दूसरी बैंक भी बनी हुई है, जो कि एक बेसमेंट में है, और इस बेसमेंट पे बहुत सालों पुराना पुश्तैनी वॉल्ट रखा है और जिसमें काफी सारे पैसे होंगे। वैसे वहां पर जाने से सबकी फटती है और कोई भी वहां पर नहीं जाता है, पर मूवी चलती रहनी चाहिए इसलिए आप लोग जा सकते हैं। और अब इतना सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर नकली फ्रोजन रीस अपने विक को हटा देती है। और अब ये लोग यहाँ से नीचे जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डार्क और शेडी जगह होती है। अगर मैं यहाँ पर होती, फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। इसके बाद ये लोग वॉल्ट के सामने पहुंच जाते हैं, और इन्हीं में से इनका एक मेंबर साइरस वॉल्ट को खोलने लगता है। दूसरी तरफ सूजन को नेटर्स कॉल आती है, और माइकल दिल का काफी अच्छा होता है, तो वो उसे वॉशरूम लेकर के जाता है। यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं, तो माइकल उसे बताता है कि वो गलत लोगों की गलत संगत में पड़ गया था, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारा उधार हो गया, और अब वो इसीलिए ये बैंक रॉबरी कर रहा है ताकि वो उन्हें पैसे वापस कर सके। और उसकी 2 बहनें भी हैं, वही रीस और वी, जो कि उसका साथ दे रही हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है। अब यहाँ से बाहर आकर के माइकल पाइप को कट करने के लिए चला जाता है, जो कि अंदर ही होती है, और ये पाइप बहुत ही बड़े होते हैं, तो इनका प्लान होता है कि इसी पाइप से एस्केप करेंगे। और अगर किसी ने बहुत सारी हाइस्ट मूवीज देखी होंगी, तो उसे पता होगा कि हाइस्ट का एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, या तो टनल से भागो या तो पाइप से भागो। हॉरर मूवीज में बेसमेंट नहीं होना चाहिए, और किसी भी बैंक में टनल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को यहाँ पर रेडियो से पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर हाइस्ट हो रही है, तो वो भी यहाँ पर सामने आ जाते हैं, और वहाँ पर पूरी फोर्स इकट्ठी हो जाती है। पर वो लोग अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर के बैंक में ऐसा ही होता है, चाहे अंदर कितने भी चोर हो और वो कितनी भी चोरी कर ले, पुलिस कभी भी अंदर नहीं जाती है। यार ऐसा इंडिया में क्यों नहीं होता है। इसके बाद हम क्रामर को देखते हैं, जो कि फाइनली वॉल्ट को ओपन कर लेता है, कि तभी उसे अपने सामने गैलरी में एक आदमी दिखाई पड़ता है। बट यहाँ कैमरा रूम में वी को कैमरा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, और क्रामर डरता थोड़ी ना है। पर जैसे ही वो नीचे झुक करके वापस से ऊपर देखता है, अब वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, और अब क्रामर भी डर रहा है, क्योंकि करज एक तरफ और अपनी जान एक तरफ। और अब क्रामर की हो जाती है फटके 16, लेकिन वी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे तो कोई दिख नहीं रहा है, उसे तो लग रहा है कि क्रामर के ऊपर माता आ गई है। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं, और अब क्रामर के यहाँ पर घोस्ट के द्वारा मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। ये इंडिया के बाहर भी होता है क्या? और अब क्रामर की माता उतारने के लिए वी जल्दी से वहाँ पर जाने लगती है, कि तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स, ऑटोमेटिक होगा, अच्छी बैंक है। इसके बाद यहाँ पर टकला, जो कि हॉस्टेजेस के साथ में बैठा होता है, उसे एक बहुत ही क्रीपी सा हॉस्टेज दिखता है। उसको भी टॉयलेट जाना होगा, पर इन्होंने जाने नहीं दिया होगा, क्योंकि वो लड़की नहीं था ना।
और अब यहाँ पर लाइट भी फ्लिकर होने लगती है और अब वहाँ का डोर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। काफी हाईटेक बैंक है। इसके बाद यहाँ पर साइरस की भी मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है और बाहर वी को चढ़ता है नशा और वो डोर को कर देती है शूट और ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो जाता है और दोनों ही डोर खुल जाते हैं। पर अब यहाँ पर साइरस गायब होता है और बाकी सारे हॉस्टेज चिल करके बैठे होते हैं। मतलब कि हो सकता हो कि उन्हें घोस्ट नहीं दिख रहा था, पर साइरस के चिल्लाने की आवाज़ तो पक्का आ रही होगी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी भागना मत और बिना पैसे लिए तो बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर जब माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है तब माइकल जाता है और क्रैमर को ढूंढता है। तो यहाँ पर क्रैमर मॉब लिंचिंग के बाद भी जिंदा होता है, पर उसके ऊपर से माता अभी भी नहीं उतरी होती है तो वो अपने आप को ही ड्रिल कर लेता है। सीन थोड़ा सा क्रीपी है, दिखा नहीं सकते। इसके बाद इंटेलिजेंट रीस को लगता है कि सारा कुछ हाईटेक सेटअप होगा और इसके बारे में वो हैरी से पूछती है, पर हैरी भी लाइक आई डोंट नो। और तभी उसे बाहर से डिटेक्टिव का कॉल आता है और यहाँ पर उन्हें बड़ा ही प्यार से निगोसिएशन और बड़ा ही लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। तो रीस उससे बोलती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो अंदर एक एक को मार देगी। और इसके बाद वो गुस्से में सूजन के पास में जाती है और उससे पूछती है, तो सूजन उसे एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती है कि वंस अपॉन अ टाइम 1982 में यहाँ पर बैंक में एक रॉबरी हुई थी जिसमें उन चोरों का लीडर उन सब से भी कहीं ज़्यादा शेडी और क्रीपी था। तो वह यहाँ पर सबको कई दिनों तक हॉस्टेज बना करके रखता है और उनका अनशन करवा देता है, मतलब कि खाने पीने को कुछ भी नहीं देता। और एंड में आकर वो एक दूसरे को ही शूट करने के लिए मजबूर कर देता है और बाद में सबको मार कर उन्हें उसी वॉल्ट के अंदर बंद करके उसमें आग लगा देता है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि बाद में उस चोर का क्या हुआ और वो चोर कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। और नीचे कोई है इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता है, पर इंटेलिजेंट रीस को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। अब तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और वो उसे क्रैमर के बारे में बताता है कि तभी वहाँ पर वी आ जाती है जो कि बहुत सारे पैसे लेकर के आती है, मतलब कि इसके चरस के चक्कर में सबकी जान जाएगी। यहाँ पर वी और रीस का इसी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि रीस ड्रग नहीं करती है, कि तभी वहाँ से बाहर से पुलिस उनके ऊपर शूट करती है। पर यहाँ पर रीस वी को बचा लेती है, पर कॉप तो उन्हें तो कुछ भी नहीं करते हैं, उनकी तो सारी बातें मानते हैं, उनके लिए तो पिज्जा मंगा करके देते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्शन कैसे ले लिया ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद रीस को एक कॉल आता है जहाँ पर एक अननोन आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होकर के बोल रहा होता है कि हमारे बैंक में बहुत बड़ी रॉबरी हुई है। और ये कॉल पुलिस के लिए होता है जहाँ पर वो पुलिस को बोलता है कि आप जल्दी से आ जाइए और हमें बचा लीजिए, कि तभी वो कॉल कट हो जाता है। अब रीस को समझ में नहीं आता है कि जो कॉल पुलिस को किया है वो उसके फ़ोन पर कैसे आ रहा है और सब तो बंदी है तो यहाँ पर कॉल किसने किया। सूजन ने इसके बारे में कुछ वार्निंग दी थी क्या। और नीचे कोई है इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता है। दूसरी तरफ माइकल जो कि वापस से बेसमेंट में जाकर उसी पाइपलाइन को खोलने लगता है कि तभी वहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर सी कन्या दिखती है। पर अगले ही सेकंड उसे पता चलता है कि वो तो रपंजल के फेस में मदर गौथल है और क्योंकि उसे मदर गौथल पसंद नहीं होती है तो वहाँ से कट लेता है। और अब नेक्स्ट सीन में कॉप यहाँ पर रीस को कॉल करके सॉरी बोलते हैं और बताते हैं कि उनसे गलती से फायरिंग हो गई थी क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो लोग अंदर हॉस्टेजेस को हर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मिस्टेक हुई है उनसे और अब इतना ज़्यादा लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो रीस को टिप तो देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए वो एक हॉस्टेज को छोड़ देती है। और अब यहाँ पर वी बेसमेंट पे जाती है जहाँ पर वो साइरस को सिर कटे निक की तरह देखती है और उसकी फटके 32 हो जाती है। अंदर दोबारा से रीस को वही सेम कॉल आता है हेल्प के लिए, यार ये कॉल कर कौन रहा है। अब तक माइकल ने अंदर बेसमेंट में रास्ता बना लिया था और अब वो पाइप से वी को बाहर भेज देता है और इसके बाद वो बेसमेंट में आग लगाने लगता है। आग लगने की वजह से पूरे बैंक में धुआं फैल जाता है और अब बाहर वाली पुलिस को पता चल गया है कि जब रॉबरी हो रही है तो अंदर नहीं जाना है, लेकिन आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड अंदर जाएगी। तो स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड हैरी यहाँ पर रीस से बोलता है कि उसे सबको छोड़ देना चाहिए और रीस भी दिल की अच्छी होती है इसीलिए वो सबके हाथ खोल देती है और पैसे लेकर के भग लेती है। यहाँ पर फोर्सेस अंदर आ जाती हैं और उसका पीछा करने लगती है और अब यहाँ पर वो जल्दी जल्दी बेसमेंट के अंदर चली जाती है। पर अब उसे लगता है कि अभी तक वो तो नहीं डरी है और जाते जाते एक बार वॉल्ट के दर्शन तो कर लेने चाहिए, मतलब जो मजे सबको मिले हैं वो उसे भी मिलने चाहिए। तो वो वॉल्ट के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत सारे क्रीपी घोस्ट उसका वेट कर रहे थे। अब स्पेशल गेस्ट के आते ही उनकी पार्टी बस स्टार्ट ही होने वाली थी कि तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है
और रीस को बचा करके लेकर निकल जाता है और उनकी पार्टी खराब हो जाती है। तो अब उन दोनों को अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए वो लोग वॉल्ट से बाहर निकल आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। और अब यहाँ पर माइकल एज अ ब्रदर रीस को पहले ही पाइप में जाने देता है और फिर वो पीछे से अपने ऊपर ब्लास्ट कर देता है और रीस और वी को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देता है। रीस अब तक पाइप के अंदर पहुंच चुकी थी तो वह यहाँ से बाहर निकल जाती है और अब सीन शिफ्ट होता है वी और रीस की तरफ, जहाँ पर रीस वी से मिलने जाती है। यहाँ पर सारे पैसे रीस के पास होते हैं और अब यहाँ पर नशेड़ी वी सबसे पहले पैसों के बारे में पूछती है, बाद में वो माइकल के बारे में भी पूछ लेती है। तो रीस यहाँ पर उसे माइकल के बारे में बताती है कि अब वो नहीं रहा और इसके बाद दोनों को बहुत बुरा लगता है। वैसे तो दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, पर अब यहाँ पर माइकल के जाने के बाद वो दोनों साथ में आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सिर्फ वही दोनों हैं जो एक दूसरे के अपने हैं। और अब यहाँ पर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं कि तभी यहाँ पर कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी यहाँ पर उतर करके जाती है और कार को चेक करने लगती है। यहाँ पर रीस अंदर बार बार चैनल को चेंज कर रही थी, पर यहाँ पर घोस्ट को एक ही चैनल बहुत पसंद था तो वो बार बार उसी के ऊपर आ रहा था। यारिस घोस्ट ने भूत यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है क्या? दरवाजे ऑटोमेटिक बना दिए, कार का भी रेडियो खुद ही बदल रहा है और कार खराब भी कर दी। ये नहीं कि अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में लोगों को शिकार बनाए, एकदम दिन दहाड़े आया है। और यहाँ पर वो वी का मुंह पकड़ लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। पर अब उसने वी को मार दिया है तो वो रीस को भी नहीं छोड़ेगा, पर ये बात हमें मूवी में नहीं बताई जाती है। और अब हमें कॉप्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने सूजन उन्हें बता रही थी कि वहाँ पर 7 हॉस्टेस थे, पर यहाँ पर काउंट करके पुलिस उसे बोलती है कि वहाँ पर 6 हॉस्टेस थे। अब यहाँ पर सूजन बोर्ड पे लगे एक फोटो को देखती है जो कि स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड हैरी की होती है और वो बोलती है कि वो भी वहाँ पर उनके साथ में था। पर अब यहाँ पर कॉप उसे बताते हैं कि ये तो 1982 का एक हॉस्टेज है और इसकी तो उसी वक्त डेथ हो गई थी। और अब हमें नेक्स्ट सीन में वही चोरी दिखाई जाती है जो कि 1982 में हुई थी। यहाँ पर हम स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड हैरी को देखते हैं, जिसे कि पता चल गया था कि वहाँ पर कॉप्स आ गए, तो वो जल्दी से कॉल करके पुलिस को बता रहा था कि तभी वहाँ पर पीछे से वही मास्क वाला चोर आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। और ये लास्ट टाइम वो जो कॉल कर रहा था, रीस को फोन पर बार बार वही कॉल सुनाई दे रही थी। और पूरे टाइम यहाँ पर बैंक में हैरी की सोल होती है, जो कि यहाँ पर जब भी चोरी होती है तो हॉस्टेजेस को बचाने की हेल्प करती है। और वहाँ पर जो बाकी सारे घोस्ट होते हैं वो भी वही सारे हॉस्टेज होते हैं और साथ में वो चोर होता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उस चोर की डेथ भी उसी वॉल्ट में उसी आग में हो गई हो जिसमें वो दूसरों को जला रहा था, पर यह बात भी मूवी में क्लियर क्लियर नहीं बताई गई है, तो ये भी एक ओपन एंडिंग होती है। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।